नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 6 फरवरी को सुबह सुबह खबर आई कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। ऐसे में पूरा संगीत जगत शोकमय है और पूरा देश लता मंगेशकर जी के जाने से अपूर्णीय क्षति महसूस कर रहा है। लगातार लता मंगेशकर के जाने के बाद लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। एक्टर, क्रिकेटर से लेकर पॉलिटिशियन तक सभी लता मंगेशकर जी के जाने से दुखी हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लता मंगेशकर जी के जाने पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इसी तरीके से पूरा देश लता मंगेशकर जी के जाने से अस्तब्ध है और लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी का निधन ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। पिछले एक महीने से वो लगातार हॉस्पिटल में थी और ऐसे में उन्हें इस दौरान केवल 2 ही दिन वेंटिलेटर से हटाया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें कल फिर वेंटिलेटर पर ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, जिसके बाद एक शून्य सा संगीत जगत में छा गया है और तमाम लोग अब लगातार उनके जाने के बाद शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कैसा है लता जी का? ठीक है। चलो उधर नहीं।